चंदोसी बार एसोसिएशन चंदोसी के चुनाव में एल्डर कमेटी द्वारा वोटर लिस्ट में अधिवक्ता का नाम शामिल न होने पर अधिवक्ता नाराज, जिसमें एक अधिवक्ता सुमित बाबू पाल ने कड़ा विरोध जताते हुए एल्डर कमेटी से नाराज होते हुए एक दिन के सांकेतिक धरने पर बैठ गए। अधिवक्ता सुमित बाबू पाल का आरोप है कि एल्डर कमेटी ने जानबूझकर मेरा नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया, जो कि अधिवक्ता हित के साथ सरासर अन्याय है और मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। सुमित बाबू पाल ने आरोप लगाया कि चंदोसी बार एसोसिएशन चंदोसी के चुनाव में गठित एल्डर कमेटी ने जानबूझकर मेरा नाम शामिल नहीं किया है। चंदोसी बार एसोसिएशन चंदोसी के चुनाव में एल्डर कमेटी द्वारा बनाए गए वोटर लिस्ट में अधिवक्ता का नाम शामिल नहीं किया गया, इससे अधिवक्ता खासे नाराज हैं। अधिवक्ता सुमित बाबू पाल का आरोप है कि एल्डर कमेटी ने जानबूझकर प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया है, जो सरासर अन्याय है। इस बात से नाराज होकर अधिवक्ता सुमित बाबू पाल एक दिन के सांकेतिक धरने पर बैठ गए। अधिवक्ता सुमित बाबू की मांग थी कि एल्डर कमेटी पुनः अधिवक्ता का नाम शामिल करे और उसे वोट देने का अधिकार दिया जाए, जिसकी वह पुरजोर मांग कर रहा है। अधिवक्ता सुमित बाबू पाल ने एल्डर कमेटी पर आरोप लगाते हुए कहा कि एल्डर कमेटी ने जानबूझकर मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया है, जो कि सरासर अधिवक्ता के साथ नाइंसाफी है। सुमित बाबू पाल एडवोकेट, ऐसा था मेरा 2-3 बार लिस्ट जारी हुई है अपनी बार चंदोसी से, तो उसमें मेरा नाम शामिल था, लेकिन जो फाइनल लिस्ट जब जारी की गई तो उसमें से मेरा नाम काट दिया गया। नाम की जो लिस्ट चस्पा की गई वो 2 तारीख को चस्पा की गई, 3-4 तारीख में नामांकन की डेट रख दी गई। इसका मतलब ये था कि उसमें आपत्ति का भी टाइम नहीं था, अगर किसी का नाम उसमें से काट दिया गया तो आपत्ति की जा सके। मैंने फिर भी फ़ोन किया तो फ़ोन करने के बाद में उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया नहीं। अगले दिन वो यहाँ पर आकर ये कहते हैं, चेयरमैन साहब जो कि एल्डर कमेटी के चेयरमैन है, वो ये कहते हैं कि तुमने बार बार फ़ोन किया मुझे, तुम जानते हो मैं कितना बिजी था, तुमने बार बार फ़ोन किया। मैंने कहा साहब मेरे फ़ोन करने का कारण केवल ये था कि आपने इसकी आपत्ति का कोई टाइम दिया नहीं था, इसलिए उसी दिन मैं आपको ये सूचित करना चाहता था कि मेरा नाम लिस्ट में से काट दिया गया है। मैंने बाद में भी प्रार्थना पत्र दिया कि मेरा नाम जोड़ दिया जाए, लेकिन प्रार्थना पत्र उन्होंने मेरा लेके वापस कर दिया। मजबूर होगा मुझे आज बैठे हो ये पैनल लेके, तो ये इसमें क्या हो गया? मैं इसके लिए बैठा हूँ कि अभी अगर एल्डर कमेटी या प्रत्याशी वगैरह चाहे तो हो सकता है मेरा वोट पड़ जाए। मैं अंतिम प्रयास कर रहा हूँ चुनाव, तो मैं साहब एल्डर कमेटी के लिए लड़ना चाह रहा था, वो एल्डर कमेटी कह रहा हूँ वो अध्यक्ष के पद के लिए चाह रहा था चुनाव लड़ना, लेकिन चूंकि वोट ही नहीं बना तो मेरा वोट ही पड़ जाए, इतना ही पर्याप्त है, मैं अपना वोट डाल सकूँ। वोट डालने का भी अधिकार नहीं है मेरे पास, वो भी छीन लिया गया आपसे। हाँ, वोट डालने का अधिकार ही नहीं है, इसलिए तो सब बैठा हुआ, शाम 4 बजे तक।